माता वैष्णो देवी की यात्रा जम्मू से प्रारंभ होती है। जम्मू से लगभग 43 किलोमीटर पर कटरा गांव पड़ता है, जहां से माता के दरबार की दूरी लगभग 14.5 किलोमीटर रह जाती है। कटरा से लगभग 3 किलोमीटर आगे वो ऐतिहासिक मंदिर है, जहां आज से 700 साल पहले माता ने अपने भक्त बाबा श्रीधर जी को एक कन्या के रूप में दर्शन दिए थे। यहीं पर वो दर्शनी दरवाजा है, जहां से कन्या रूपिणी माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकूट पर्वत की ओर गई थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वो बाण गंगा है, जहां बाण चलाकर माता ने गंगा प्रकट की थी। इसी बाण गंगा के जल से माता ने अपने बाल धोए थे, इसीलिए इस स्थान को बाल गंगा भी कहते हैं। पास ही माता की चरण पादुका का मंदिर है, जहां खड़ी रहकर माता ने अपना पीछा करने वाले भैरवनाथ को देखकर गर्भ गुफा में प्रवेश किया था। जिस तरह बालक माता के गर्भ में 9 मास रहता है, उसी तरह इस गुफा में माता 9 महीने रही, इसीलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा कहते हैं। यहीं आदि कुमारी माता का मंदिर भी है, जहां थके यात्री विश्राम करते हैं। यहीं से माता के दरबार में पहुंचने के लिए पहाड़ की सीधी चढ़ाई प्रारंभ होती है, इसीलिए इस स्थान को हाथी मत्था नाम दिया गया। हाथी मत्था से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर सांझी छत है। सांझी छत से कुछ और ऊपर पर्वत के अंचल में माता शेरावाली का दरबार है। माता के दरबार में माँ वैष्णो देवी तीनों महाशक्तियों के रूप में विराजमान हैं। शक्ति की देवी माँ महाकाली, धन की देवी महालक्ष्मी रूपिणी माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान की देवी माँ महासरस्वती इस गुफा की चट्टानों में 5 फुट अंदर तक पूर्ण मूर्ति रूप खड़ी हैं। इस गुफा में तीनों माताओं के एक साथ दर्शन से भक्त की शक्ति, ज्ञान तथा धन संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन तीनों माताओं के एक साथ दर्शन माता वैष्णो देवी की गुफा में ही होते हैं। मां शेरावाली के दर्शन के बाद लौटते हुए भक्तगण भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन करते हैं। माता ने स्वयं कहा था कि भैरवनाथ के दर्शन किए बिना वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। धन्य हो मां वैष्णो देवी, जय माता दी।